ये जो पेंटिंग है स्क्रैच वर्क, ये मैंने उन्हीं गुरु जी से सीखा है जिन्होंने कि इसको इन्वेंट किया था, चिरंजी लाल जी बोहरा जी से। और जब मैं 11th क्लास में पढ़ती थी तब मैंने सीखा था। अब ये थोड़ी पेनफुल टेक्निक है क्योंकि स्क्रैच करना पड़ता है तो हाथों में दर्द हो जाता है, नाइफ यूज करते हैं, कोई ब्रश यूज नहीं करते हैं। तो इतने टाइम तो ऐसे चल गया था कि ठीक है, हम कभी एक्रेलिक कर रहे थे, कभी ऑयल कर रहे थे, लेकिन यूँ लगा कि इस फील्ड में अगर आना है, कुछ नया करना है, तो फिर वापस से इस वाली टेक्निक को उठाया और इसको वापस से रेडी किया। और इसमें मैंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सब स्क्रैच से ही निकली है, और काफी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स हैं, 4-4 फीट बहुत की। खूबसूरत दिखाई दे रही है पेंटिंग, काफी बड़ा साइज हाँ दिखाई दे रहा है इनका ना, 4 फीट के हाँ बहुत आसपास बड़ी, का दिखाई दे रही है ऑलमोस्ट। 4 फीट की है। अब जैसे मैंने ये यहाँ पे भी लगा रखी है नीचे सारे, ये सब ब्यूटीफुल स्क्रैच वर्क है। किस किसी में मैंने कलर भी डाला है, जैसे बुद्धा में मैंने कलर यूज किया है, पेंसिल कलर, और बाकी सब ब्लैक एंड व्हाइट है। जी, बहुत अच्छा निकला जी। ये जो ये देखिए, ये वाली एक और है डांसिंग फिगर, और ये सब 4-4 फीट बड़ी है। मैंने इसमें एब्स्ट्रैक्ट वर्क भी करा है, जो इधर मैंने लगा नहीं रखा क्योंकि बहुत चीजें लगी हुई है, इतनी जगह भी नहीं है, तो बहुत ही अच्छा वर्क है, बहुत शोर आ रहा है। जिनका भी अभी ऑडियो ऑन है प्लीज उसको म्यूट कर दीजिए प्लीज ताकि ऑडियो हम ऑफ कर बेहतर दें। तरीके से सुन पाए। जो विनीता जी हमें आर्ट डेमो दे रही है उनको इजीली सुन पाए और उसको अपना जो मकसद है उसमें हम सफल हों। प्लीज उसको म्यूट कर दीजिए। थैंक यू। प्लीज अपना ऑडियो ऑफ करें, बहुत शोर आ रहा है। थैंक कर दिया। यू। हाँ ठीक है ठीक है। तो अब इस वर्क को सब अधिकतर चारकोल वर्क समझते हैं कि कैनवस पे चारकोल से किया हुआ काम है। अब चारकोल वर्क, हालांकि सारे वर्क बहुत मेहनत से बनते हैं, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा मेहनत लेता है क्योंकि इसमें हम बोर्ड को स्क्रैच करते हैं नाइफ से। तो मेरा मकसद यही है कि सब लोग इस वर्क को जाने कि ये क्या काम है। मैं इसको लेकर ही आगे आना चाहती हूँ। काम में बहुत तरीके के करती हूँ, कुछ भी नया करने को मिलता है मैं ट्राई जरूर करती हूँ, और उसको एक लिमिट तक सीख के और पूरा करके फिर छोड़ती हूँ, ताकि कहीं भी कुछ डेमो वगैरह देना पड़े, हम ये कैंप वगैरह में जाते हैं तो वहां पे बनाना पड़े तो इजीली सब काम हो जाए। तो आज मैं आपको स्क्रैच वर्क बताऊंगी, जो ये मैं पीछे लग रहा है सारा मैंने किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसके लिए मैंने जो यूज किया है वो है ये सिंपल नाइफ, बिल्कुल सिंपल नाइफ है, ये जो सड़क पे बैठने वाले लोग रखते हैं वो वाला नाइफ है, क्योंकि ये फैंसी नाइफ से नहीं होएगा, उसकी पॉइंट बहुत पतली होती है तो वो स्क्रैच करने में टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। क्या काफी थिक है तो इसको पकड़ के आप अच्छे से स्क्रैच कर सकते हो। ठीक है, एक पेंसिल चाहिए कि व्हाइट, ये पेंसिल है ग्लास पेंसिल। हम ब्लैक वर्क पे जब व्हाइट से बनाएंगे तो ये ग्लास वर्क की थोड़ी उतरता नहीं है ये, और पेंसिल से हम करेंगे तो ब्लैक पे ब्लैक तो दिखेगा ही नहीं, हम व्हाइट कलर से भी करेंगे तो वो हाथ का टच होके और उतर जाएगा, ये ग्लास पेंसिल उतरती नहीं है। ठीक है, एक चाहिएगा हमको ये शू पॉलिश वाला ब्रश। तो ये बहुत ही इजी सा सामान है, बहुत कहीं भी अवेलेबल होने वाला, ये तीन चीजें मेन है, इसके टूल हैं। ठीक है, और एक हमको चाहिएगा बोर्ड को ब्लैक करने के लिए, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये हार्डबोर्ड है, आपको इसके ऊपर चेक दिख रहे हैं संतोष जी, दिख रहे हैं चेक हाँ विनीता जी, दिखाई दे रहे हैं। ये है ना। ऑलमोस्ट वही है ना हाँ जो हम एग्जाम में जो हार्डबोर्ड लेके जाते थे पहले के टाइम हाँ ये वो में। ही है, पीछे से प्लेन होता है ये, और एक सरफेस इसकी ये चेक वाली होती है। हाँ यहाँ पे कुछ दाने दाने से होते हैं ना। हाँ तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बना के और फिर इसको स्क्रैच करेंगे। राइट तो राइट स्क्रैच करने से क्या है, ब्लैक बोर्ड पार्ट तो हट जाता है, अंदर से वुड वाला कलर निकल जाता है ना। ठीक है बिल्कुल। अच्छा, इसको ब्लैक करने के लिए मैं आपको बता दूं क्या चाहिएगा, ड्राई काजल आता है, बिल्कुल सूखा डब्बे में आएगा वो ड्राई काजल के नाम से, और गम, गोंद, गोंद भी सूखी वाली आएगी, बहुत बारीक बारीक पिसी हुई, वो मार्केट में बहुत इजीली आपको मिल जाएगी।
इन दोनों चीजों को थोड़ा सा भिगोना है आपको, गम को अलग से भिगो के रखना है और उसको फिर सुबह छान के एक किसी भी कंटेनर में भर लें, बहुत सारा नहीं, मतलब अकॉर्डिंग, ये तो आपको करते करते ही आएगा, इसका मैं मेजरमेंट भी नहीं बता सकती क्योंकि मैं भी पूरी शीट करती हूँ एक साथ दो तीन, तो मैं खूब सारा भिगो लेती हूँ, मुझे छोटे छोटे का आइडिया भी नहीं है क्योंकि मैं ये करती रहती हूँ। इसके बाद गम को अपन ने छान लिया और ड्राई काजल उसमें डाला, दोनों बहुत मुश्किल से मिक्स होते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद हो जाते हैं। फिर उसको ना तो बहुत अपने को थिक रखना है और ना बहुत ज्यादा थिन रखना है, ठीक है, एक बीच का रखना है कि पतला हो, अपन बोर्ड पे डालें और वो सूख जाए 5 मिनट के अंदर। ज्यादा पतला रखेंगे तो ये बोर्ड के अंदर तक चला जाएगा ब्लैक कलर, और हम कितना भी स्क्रैच करेंगे वो वुड कलर निकलेगा ही नहीं, वो ब्लैक ही ब्लैक निकलेगा, तो ऊपर की सरफेस पर ही रहे। बहुत ज्यादा थिक रखते हैं हम इसको तो वो बहुत ज्यादा शाइनी सा, बहुत अजीब सा हो जाता है, आपको पता चल जाएगा, और बहुत पतला रखते हैं तो ये ब्लैक नहीं आता, थोड़ा सा ग्रे टोन में आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम ठीक ठाक रखेंगे, या आप थोड़ा सा कॉर्नर पे करके देख ले, और इसको एकदम धूप में रख के करना है आपको, नहीं तो बोर्ड बेंड हो जाता है। विनीता जी एक मिनट में आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, कोई पार्टिसिपेंट पूछ रहे हैं कि हम नॉर्मल काजल इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? नॉर्मल काजल कौन सा, गीला? शायद उनका नॉर्मल से क्या मतलब है, ऑर्डिनरी कोई जो हम घर पे यूज़ करते हैं? नहीं नहीं, सूखा ही काजल होएगा इसमें, क्योंकि वो गोंद में मिलाना है हमको, राइट। और ये ड्राई काजल के नाम से किसी भी पेंटिंग वाले की शॉप पे मिल जाएगा आपको। ओके, गॉट इट, ड्राई काजल, ठीक है। अच्छे बड़े बड़े डब्बे आते हैं इसके हर साइज में, तो बहुत इजीली अवेलेबल है इसका सामान, ऐसा नहीं है, बहुत आराम से मिलेगा, ठीक है। अब जब जैसे हमने इसको ब्लैक कर लिया, ऐसा सूख गया है आराम से, अब ऐसे उतारेंगे तो काजल उतरता है, लेकिन हमने इसमें गोंद मिलाया तो ये उतरेगा नहीं, ये देखिए बहुत मामूली सा उतरता है, बहुत थोड़ा सा, तो इतना तो उतरेगा क्योंकि गोंद भी है काजल भी है, ठीक है। बस आप हाथ फिरा के देख ले कि उतरना नहीं चाहिए। काजल मेरे पास असल में है नहीं, वो बिल्कुल पाउडर आता है, एक डब्बे में आएगा ड्राई काजल के नाम से आएगा, और बहुत इजीली मिलेगा, आप चाहे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, ठीक है। अब अपन इसको स्टार्ट करते हैं, मैं आप इस पे ड्रॉ करके आपको आज एक फ्लावर बना के बताऊंगी कैसे करते हैं। तो मैं एक बार थोड़ा कैमरा हटा दिया है, इससे प्रॉब्लम होगी बीच बीच में आएगा, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, जैसे इस पेंसिल से मैं एक फूल ड्रॉ करूंगी, ठीक है। जैसे मैंने एक फ्लावर ड्रॉ कर लिया, अब ये इस पेंसिल का एडवांटेज ये है कि मैं इसको हटाऊंगी तो ये हटेगा नहीं, ठीक है, इसलिए ग्लास पेंसिल यूज करते हैं। अब हमको एक दो चीजों का और ध्यान रखना है, ठीक है, एक तो मास्क लगा के करना है इसको, नहीं तो डस्ट पार्टिकल आपके नोज में और मुंह में चले जाएंगे अपन इसको स्क्रैच करेंगे तो, ठीक है। और ये ऐसी वाली जो टेप आती है मेडिकल टेप, इसको मतलब ये एज ए प्रिकॉशन बहुत जरूरी है, ये सब हम अपने इन पे कर लेंगे, इस तरह से सब पे बांधेंगे, नहीं तो ये सारा डस्ट ना नेल्स में चला जाता है, तो इन दो चीजों का ध्यान रखना है। अभी तो मैं आपको ऐसे ही बताऊंगी, और जो अपना हिस्सा इस पे यहाँ टच होएगा ये वाला, तो मैं क्या करती हूँ इस पे भी इस तरह से, यहाँ पे भी मैं इसको ग्लू लगा लेती हूँ ऐसे, इससे अब क्या ये ब्लैक नहीं होगा, नहीं तो ये थोड़ा सा करके पूरा ब्लैक हो जाता है, इधर से हाथ नेल्स में चला जाता है, तो ये टेप लगा के करते हैं तो थोड़ा सेफ होता है, ठीक है। अब हम नाइफ को पकड़ेंगे, इसको स्क्रैच करना स्टार्ट करेंगे, एक बार में नहीं होएगा, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मैं भी नाइफ दूसरा लूं, थोड़ी कईयों पे धार है कईयों पे नहीं है, एक बार थोड़ा चेक हो गया फिर फटाफट हो गए।
अब यहाँ हम ब्रश भी रखेंगे ताकि इसके डस्ट को हम एक साइड करते जाएं। वो थी पार्टी में फिर मत बोलो कि मेरे घुटने में दर्द है कि मेरे टेस्ट नहीं है वो कचौड़ी ये इसमें हमको शेप साथ में ही देनी है तो बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना धीरे धीरे करना है क्योंकि हम सारा बात करते हैं तो नहीं लागूंगी बाद में आनी चाहिए और ये वाला काम थोड़ा बारिश में नहीं होएगा क्योंकि लकड़ी में नमी आ जाती है तो इस चीज का खास ध्यान रखना है। इसको करने का भी मौसम है और वो गर्मी का है। थोड़ा बोर्ड पे भी डिपेंड करता है, कई बोर्ड थोड़े सॉफ्ट होते हैं, कई थोड़े हार्ड होते हैं, तो ये सब अपनी किस्मत है कि अपने को कैसा बोर्ड मिलता है। ये मेरा थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि तो इसका नाम भी हार्ड बोर्ड ही है। क्योंकि अब जैसे मैंने यहाँ नीचे थोड़ी सी शेडिंग रखी है, ऊपर से मैं इसको थोड़ा सा ब्राइट कर दूंगी। इस तरह से ये एक पत्ती बन गई। इस तरह से हम अब ये सारे फूल को स्क्रैच कर लेंगे। थोड़ा सा शेडिंग लाइटिंग का वो अपने ध्यान में रखेंगे कि कहाँ से लाइट आ रही है तो कौन सा पार्ट ज्यादा ब्राइट होगा कौन सा डल रहा है। देखिए टेक्निक थोड़ी टफ है, अच्छी सबको लगती है लेकिन वो ये कि मेहनत बहुत है। आपके हाथों में दर्द हो जाएगा, अंगूठे में दर्द हो जाएगा, लेकिन जब पेंटिंग बनती है तो वो इतनी अच्छी लगती है कि मैं सारा दर्द भूल जाती हूँ। मेहनत हर चीज में है। आप एक्रेलिक भी करते हैं तो उसमें दूसरी तरह की मेहनत है, इसमें थोड़ी फिजिकल भी है। बहुत ज्यादा हार्ड है, किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछते भी रहिए, मैं बता दूंगी। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछे। विनीता जी, हाँ, किसी ने ये पूछा है कि जो गोंद जो आप इसमें मिला रहे हो ना, वो क्या और किस प्रकार का गोंद है, वो कैसा गोंद है, कौन सा वाला गोंद है? जैसे अपनी चीनी आती है ना,
एकदम बारीक कण वाली, इस तरह का गोंद आएगा। तो ये जो ग्रोसरी शॉप में मिलता है वही गोंद लेना है या किसी और तरह का? और गोंद नहीं, आप लिक्विड वाला भी ले सकते हो। अच्छा, लिक्विड भी ले सकते हो। हाँ, कैमल वाला और कैमलिन वाला ये भी ले सकते हो, बना बनाया उसके अंदर काजल को पेस्ट बना के और फिर पानी डाल के आप कर सकते हो। ओके, भी देखो मैंने शुरू से वही वाला गोंद काम में लिया ना, मैंने कभी लिया नहीं है, लेकिन हाँ ले सकते हैं, गोंद तो वही है मेरा। असल में क्या है, थोड़ा लार्ज स्केल पे काम होता है ना, तो थोड़ा ज्यादा बनाना पड़ता है, तो फिर वो इतनी इतनी सी डिब्बियां कितनी सारी लेकर आओ, तो मैं वो 1-2 किलो के पैकेट ले आती हूँ और एक साथ ही उनको करा और कर लेती हूँ। अच्छा, जब अपने को बोर्ड पे कलर करना है ना, तो अपने को उस पानी को डाल के और इस ब्रश से ही फैलाना है। ये शू पॉलिश वाली ब्रश काम में लेनी है इसको फैलाने के लिए, ये ध्यान रखना, क्योंकि और किसी ब्रश से इतना बड़ा एरिया कवर नहीं होगा। वो पेंट वाली ब्रशेस नहीं चलेंगी, यही चलेगा, तो ये जरूर चाहिए इसको ऐसे हटाने के लिए भी और इसको पेंट करने के लिए भी। क्या मैंने इसमें कई तरह की चीजें ट्राई करने की कोशिश करी है, लेकिन बेस थोड़ा वुड वाला रह गया ना, तो ये सब कुछ सोख लेता है, तो वो वाला इफेक्ट नहीं आता। कलर में भी क्या, पेंसिल कलर तो बड़े आराम से चल गए, एक्रेलिक वगैरह मैंने डालने की कोशिश करी थी, लेकिन वो सोख लेते हैं कलर, फिर वुड का कलर क्या डल हो जाता है। अभी क्या है, जैसे बिल्कुल ब्राइट दिख रहा है ना, तो इसमें अच्छा ही, क्योंकि एंटिक लगता है देखने में बिल्कुल वुड वाला कलर। और दो ही कलर होते हैं, प्लेन सरफेस को आप कैसे स्क्रैच करोगे? जो अपनी टोन निकल रही है शेडिंग की, ये स्क्रैच से ही तो निकलेगी। चेक है ना, ये कहीं से स्क्रैच होंगे, कहीं से थोड़े ब्राइट होंगे और ये शेडिंग आएगी। और जो फ्लैट सरफेस होती है ना, जैसे आप मान लो अपन ने इसको ब्लैक कर लिया, इसको आप क्या करोगे? क्या करो, राइट है ना, मतलब ये प्लेन को आप कैसे वो करोगे? ना तो शेडिंग आएगी, ना कुछ आएगा, बस वो ब्लैक कलर हट जाएगा जहां से आप ये लगाओगे। और जो चेक में आप करोगे, तो चेक में एक शेडिंग वाला इफेक्ट आएगा। आप कहीं जैसे प्लेन में भी करके देखो, यूं जैसे एक बार हम इसको थोड़ा सा निकाल लेंगे सारे को, आप इसको यूं उंगली करके फेर के देखेंगे, तो ये बकायदा आपको फील होगा ऊपर नीचे गया हुआ। अच्छा, क्या है ना, सबका जैसे ब्रश पकड़ने का स्टाइल अलग होता है, वैसे नाइफ पकड़ने का स्टाइल भी हर आर्टिस्ट का अलग अलग होता है। ठीक है, मैं इस तरह से पकड़ के करती हूँ, ये देखिए, इस तरह से डाला इसको, यहाँ से निकाला, तो ये क्या है, थोड़ा प्रेशर अच्छे से लगता है ना, और इसकी पॉइंट को थोड़ा सा
इस तरह से और इसको करवा लेती हूँ, आगे से ये गोल होता है ना नाइफ, तो मैं इसको ऐसे थोड़ा अपने हिसाब से करते रहेंगे ना, तो आपको आइडिया होगा कि अरे अपना नाइफ आगे से ऐसा होता तो अपने को बहुत अच्छा स्क्रैच होने में आता। तो ये क्या है, खुद को देखने पड़ेंगे ये आगे की पॉइंट वगैरह, कहीं पॉइंटेड लेना है तो आपको पॉइंटेड कराना पड़ेगा, कहीं थोड़ा फ्लैट लेके कराना है तो फ्लैट लेना पड़ेगा, यूं है। और ये धार वालों से करवा लीजिए इसको। संतोष जी कोई लिख के पूछ रहे मैसेज करके, मैं ये कर रही हूँ, आप पढ़ के मुझे बता दो। ये पूछा गया है कि भाई कोई व्हाइट पेंसिल को भी अपन यूज कर सकते हैं क्या, ऑर्डिनरी व्हाइट पेंसिल को? स्क्रैच वर्क तो यही है नहीं? अच्छा, ऑर्डिनरी स्केच करना है तो आप फिर से बता दीजिए कौन सी पेंसिल आप इस्तेमाल करते हो। ये ग्लास पे करने की पेंसिल आती है, आप वैसे कोई सी भी पेंसिल यूज करते हो, ग्लास पेंसिल इसलिए है कि ये रब नहीं होती। अब जैसे मैंने वो हाथ रख रखा है ना, कभी कोई और पेंसिल होती ना तो सारा रब हो गया होता, बिक गया था। हाँ हाँ, समझ गए। क्योंकि अपन ये तो चलो अपना छोटा सा फूल है, अपन कोई बड़ी फिगर बनाएंगे तो अपन थोड़ी थोड़ी देर में उसका पार्ट बनाने थोड़ी बैठेंगे, अपन एक साथ उसको पूरी को बनाएंगे ना, और उस पर ही हाथ रख के करेंगे। अब जैसे जब ये हो जाता है, हाथ काले होने का चक्कर रहता है, तो यहाँ पे कुछ लगा लो कपड़ा या कागज वगैरह कुछ, और फिर हाथ रख लो, जिससे आपका हाथ भी काला नहीं होगा। अब ये देखा ऐसे हो जाता है थोड़ा सा, क्या कुछ चीजें जैसे अपन पेंटिंग भी करते हैं तो अपनी ब्रश थोड़ी सी अपने अकॉर्डिंग अपन कर लेते हैं ना, एडजस्ट कर लेते हैं उसको। इस तरह से है ना, ये नाइफ भी आप जब करोगे आपको लगेगा कि हमको करना है, तो आप अपने हाथ को जैसे जैसे चलाओगे तो नाइफ उसके अकॉर्डिंग आपको करवाना पड़ेगा। अब जैसे मैं भी है ना, इसके अलावा ये आपने देखा होगा पुराने जो वो होते थे ना कटिंग वाले, तो ये एक ये ऐसे शार्प करने का ही रखते थे, ध्यान है संतोष जी? जी जी बिल्कुल, शार्प करते टूल्स वगैरह लीनो का। हाँ, टूल आप तो बार बार इसको कहाँ जाओगे शार्प कराने, तो मैं एक ये भी रखती हूँ। इससे क्या इसके आगे की पॉइंट शार्प करी थोड़ी और बस स्टार्ट हो गया, पॉइंट शार्प हो जाती है आराम से। मेहनत तो बहुत ही नीता जी स्टार्ट में ना, बहुत ज्यादा मेहनत है, लेकिन पता है मेहनत हर काम में है, पर इसमें जो आपका जो रिटर्न आता है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही, मतलब वही तो मैं कह रही हूँ, मैं तो सारी तकलीफ भूल जाती हूँ। ऐसा नहीं है, हाथों में बहुत दर्द भी होता है, लेकिन बात यही है कि आप कुछ अलग करना है तो इतना तो सहन करना ही पड़ेगा। और पेंटिंग मैंने छोटी थोड़ी बना रखी है, आपने तो मेरी देखी भी है सामने, कितनी बड़ी बड़ी बना रखी है। और अलग से ही दिखती है, तो काफी मेहनत भरा काम है, तो बहुत कम आर्टिस्ट इसमें काम करते हैं, जैसे आप कर रहे हो अभी जयपुर में, तो ऑलमोस्ट आप ही कर रहे हो उसमें। देखो जहां तक मेरे को है वहां तक तो शायद ही कोई कर रहा होगा, लेकिन मैं कह नहीं सकती, हो सकता है कोई कर भी रहे हो, लेकिन अभी तक जैसे एसडी पर भी तो कोई आर्टिस्ट सामने नहीं आया। हाँ, जो नहीं आया उन तो अलग बात है, जिनको जानते हैं। हाँ, मतलब मैंने किसी का देखा नहीं काम, तो फिलहाल मुझे आपकी दिखाई दे रही, लेकिन अब क्या करते करते मेरे को इतनी प्रैक्टिस हो गई कि मैं बहुत फटाफट कर लेती हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम कला चर्चा में इसका डेमो दिया था, तो जितने वहाँ पे लोग थे उन्होंने कहा हम भी करेंगे, तो किसी से एक लाइन भी नहीं खींची थी, पता है। सही हो, दिखने में तो मतलब उनको लगा कि मैं कितना हार्ड वर्क कर रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, मतलब दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि कोई भी आसानी से कर लेगा आपसे, पर जब कर रहा, मतलब देखने में तो यही लगता है कि अरे ये तो बड़ी आसानी से, आप सीधी लाइन नहीं खींच सकते हो, मेरा तो हाथ क्या हर तरह से घूम जाता है, क्योंकि मैंने इसमें 12 पेंटिंग बना ली पूरी बड़ी। विनीता जी एक और क्वेश्चन है, ये पूछा गया कि ये हार्ड कौन सा बोर्ड आप इस्तेमाल कर रहे हो? ये हार्ड बोर्ड के नाम से ही आएगा, और आपको मार्केट में उसको बोलना पड़ेगा कि जो एक साइड से चेक वाला आता है रफ बोर्ड, वो चाहिए।
ये तो मैंने ब्लैक करा है, नहीं तो ये ब्राउन कलर का ही होता है, चेक भी। हर आर्टिस्ट चाहता है कि उसका एक अलग उसमें नाम हो, पहचान हो उसकी, पहचान हो उसकी, सही बात है। पहचान क्या है, बहुत जरूरी है वो, चाहे आपके काम से हो, आपके कलर स्कीम से हो, आपके फिगर प्रेजेंटेशन से हो, कुछ भी हो, कि आप फिगर एब्स्ट्रैक्ट में बनाते हैं या आप बिल्कुल फिगरेटिव वैसा वाला वर्क करते हैं, तो क्या हर चीज की अपनी पहचान हो जाती है। जैसे मैं आपको मालूम है, अपने एक्रेलिक में भी वर्क करती हूँ, तो मैं बहुत कम कलर में, सिर्फ दो ही कलर में काम करती हूँ। और आर्टिस्ट के लिए तो अपनी एक अलग टेक्निक या यूनिक फॉर्म बहुत जरूरी, बिल्कुल, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो अपने काम से पहचाना जाए, कि 100 काम में एक उनका काम अलग ही दिख जाए, कि अरे ये तो उसका काम है। काम देखते ही आर्टिस्ट का नाम जहन में आ जाए कि हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ, आज ये हर जाना चाहेगा कि उसका नाम अलग से काम से पहचाना जाए। जैसे मेरा जो विनीता आर्ट स्केच पेंटिंग कौन कर रहा है, विनीता जी? हाँ, स्केच पेंटिंग से तो आप ही नोनो अभी फिलहाल मेरी जानकारी में, तो जयपुर हाल फिलहाल तो मैं ही हूँ, बाकी कोई कर भी रहा हो तो देखो मेरे को आइडिया नहीं है। हाँ नहीं, अभी सामने तो कोई आया नहीं ना, अभी पता तो चला नहीं, अभी आया नहीं, मैंने भी नहीं देखा। हाँ वो चीज है, अभी भी क्या है, लोग इसको समझते नहीं है, वही चारकोल वर्क कहते हैं, तो कहीं भी होता है तो मैं अपना डेमो साथ में ही लेके बैठती हूँ। नहीं सही ना, अभी लोग सभी को बताना भी तो जरूरी है ना कि ये जितना दिखाई नहीं, 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 मतलब उससे क्या होता है, देखो मेहनत चारकोल में भी है, मैं नहीं कहती, चारकोल में भी मेहनत है, लेकिन ऐसी मेहनत तो कोई चारकोल कहता है ना, तो मेरे से एक लेबर टूट जाता है, इसमें मेहनत तो है। हाँ बहुत ज्यादा है ना, हाथ से आप कितना इसको इसकी वो करते हो। मैंने भी क्या 11th क्लास में सीखा था, एक दो पेंटिंग बनाई थी, तो एक तो अभी भी है वो सरस्वती जो मैं, वो 32 ईयर्स पुरानी है, तो इसका टेस्टेड है कि ये अच्छा वर्क है और खराब नहीं होगा। नहीं नहीं सही है, 32 साल पुरानी है वो, और मैंने भी इसीलिए नहीं करा था ये कंटिन्यू, कि बहुत दर्द होता है, हाथ दिखते हैं, काले हो जाते हैं, लेकिन अब जब पूरी तरह से इस फील्ड में आ गए तो लगता है कि नहीं, अब थोड़ा अलग ही काम करेंगे तो ही काम करेंगे। क्या इसको जैसे एक बार इतना कर लिया, बस अब इसकी थोड़ी फिनिशिंग निकालेंगे, कहीं से ज्यादा स्क्रैच करना है तो वहां से लाइन को थोड़ा ज्यादा स्क्रैच करेंगे, जिससे हाईलाइट निकालेंगे।
ये दिख रहा होगा ना आपको, इसकी हाईलाइट निकाली है मैंने, बहुत खूबसूरत लग रहा है, लाइट एंड डार्क शेड का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। हाँ ये देखो, बस इस तरह से इसको और लाइट डार्क करके हम एंड में, हम जो हमारा जो पेस्ट होता है, अब क्या कई बार क्या होता है ना, ये लाइंस ये निकल जाता है, ब्रेक हो जाती है, ठीक है, जैसे यहाँ से उखड़ गया, बीच में से लाइन ब्रेक हो गई, तो उसको सही करने के लिए फिर जो हमने पहले पेस्ट बनाया था उसको ब्रश से लेकर और वापस से इसमें फिनिशिंग के लिए कर, वापस से ब्लैक कर देंगे उसको। हाँ, और बाहर बैकग्राउंड भी थोड़ा क्या गंदा हो जाता है ना ये सब लग के, तो बाहर का बैकग्राउंड भी हम ब्रश से करके और बाकी फिर सरफेस अगर बड़ी है तो इससे फैला के और उसको सही करते हैं, इससे पूरा फिनिश हो जाता है। अब आप ये देखो, रुको, बहुत खूबसूरत लग रहा है पनीता जी, बहुत ही आपकी पूरी मेहनत साफ साफ दिखाई दे रही है इसमें। तो मेहनत तो खैर बहुत है, नो डाउट, बहुत ज्यादा मेहनत है जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कोई कोई पूछना चाहता है, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क टू द विनीता जी, प्लीज अपना कोई सवाल हो तो आप विनीता जी से पूछ लीजिए, अपना माइक को अनम्यूट कर दीजिए और पूछ लीजिए। मैं वीडियो पे आ जाऊं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आई। अच्छा, एक दो पेंटिंग आपकी जो बड़ा साइज है वो वैसे जूम करके दिखा दीजिए हमारे पार्टिसिपेंट को, ताकि उनको लगे कि किस तरह से बड़ी पेंटिंग बनती है। हाँ 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 ठीक है, अभी दिखा, तो मेरे को एक बार ही वापस सेट करना पड़ेगा एक मिनट। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐसे दिखाऊं, एक बार कैमरा हाथ में लेके दिखाती हूँ आपको। इसमें मैंने कलर डाला है थोड़ा सा पेंसिल कलर, दिख रहा है ना? हाँ दिखाई दे रहा है। ये पेंटिंग मेरी 32 इयर्स ओल्ड है, 32 साल पुरानी। वंडरफुल वंडरफुल विनीता जी, ठीक है। ये सब स्क्रैच है, बहुत खूब विनीता जी, बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये भी 4 फीट की पेंटिंग है, काफी बड़ी है, बनी ठनी बनी ठनी। ओके देखिए, गुड ग्रेट, है ना? और ये वाली तो है ही, डांसिंग डांसिंग, इसकी ज्वेलरी वगैरह आप सब देखिए। बहुत सुंदर लग रही है प्रियंका जी पेंटिंग, है ना? बहुत ही सुंदर लग रही है, मेहनत साफ साफ इसमें दिखाई दे रही है कि बहुत ही मेहनत भरा काम किया गया है इसमें। नहीं मेहनत है, नो डाउट, बहुत ज्यादा मेहनत है, ये देखो। बिल्कुल कुछ फिगर्स हैं, अब इनकी आप ज्वेलरी देखो एक एक। ऐसे तो लग रहा है जरी ने एक एक बीज तराज के लगाया हो उसी प्रकार, कोई मतलब आउट नहीं है, सब कुछ इतना सिमेट्री है। हाँ उसमें तो दिखाई दे रही है इसमें साफ। और मेरा खास इंटरेस्ट है इस फिगर में, मुझे बहुत पसंद है ये केरला म्यूरल की फिगर, केरला में ये पुस्तकें की भूखी आती है। बहुत
ठीक है। ये हमारा स्क्रेच वर्क है जो भी आपने देखा, कैसा लगा आप सब लोगों को? बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत है, ग्रेट। बहुत कमेंट्स आपके लिए आ रहे हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगी। थैंक यू सो मच। अच्छा, और किसी ने ये पूछा कि वाटर कलर में किया जा सकता है इसमें? आई थिंक नहीं, मैंने ही बोला ना वुड है, कुछ भी आप पानी का यूज करोगे तो उसको सोख लेगा, राइट है ना, तो वो वाला इफेक्ट ही नहीं आएगा पहली बात तो। जो भी अपना ये वाला व्हाइट, ये वाला पोर्शन है, अपन इसमें वाटर कलर या एक्रेलिक जो भी डालेंगे तो ये सोख लेगा और ये डल हो जाएगा, बिल्कुल ब्राइटनेस नहीं आएगी इसमें। सिर्फ पेंसिल का ही चल सकता है और कोई सा भी कलर नहीं चलेगा। और किसी का क्वेश्चन करके, जैसे मैंने बुद्धा में डाला है उसमें मैंने पेंसिल कलर यूज किया है। आपको एक फिगर और दिखाती हूँ, लेकर आती हूँ एक। ये फिगर देखिए आप, ये एब्स्ट्रैक्ट है मेरा इसमें, इसी में, और ये भी फोर स्क्रैच नहीं है, स्क्रैच करके। हाँ, स्क्रैची, बिल्कुल स्क्रैची है। इसमें एब्स्ट्रैक्ट है और ये कनेक्टिविटी शो कर रही है, थोड़ा थीम लेके बनाई थी। राइट राइट, क्योंकि सब जगह तो जाता है लेकिन कहीं थीम बेस्ड काम चलता है तो आपको थीम भी शो करनी पड़ती है। तो इसमें मैंने कनेक्टिविटी दिखाई दी है कि कैसे पॉजिटिव टू पॉजिटिव एक दूसरे से कनेक्टेड थी, पॉजिटिव वेव है, वो पॉजिटिव पर्सन को अपनी तरफ खींचती है, तो इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट बनाया है इसमें। राइट राइट। अच्छा, अभी और किसी का कोई सवाल हो तो विनीता जी से पूछ लीजिए आप, और इसको किस प्रकार से सीखा जाता है उस विषय पे भी कोई जानकारी आप चाहिए तो डायरेक्ट मैम से पूछ लीजिए, विनीता जी से। विनीता जी के मैं नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे आप शेयर कर रही हूँ, आप फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए विनीता जी से आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। विनीता जी के नंबर है, ईमेल है, आप इनको डायरेक्ट इनसे बात कर लीजिए। यस, स्क्रीनशॉट भी आप लेके सेव कर सकते हैं इस नंबर को, जब भी आपको फुर्सत मिले आप विनीता जी से बात कर सकते हो फर्दर इंक्वायरी के लिए अबाउट द स्क्रेच आर्ट पेंटिंग। हाँ, मेरा इस काम को, इस विषय पे, इस सब्जेक्ट पे आर्ट, कोई भी आर्ट फॉर्म हो विनीता जी आपको जरूर बताएंगी, उस पे आप उनसे डायरेक्ट बात करिए। और क्लासेस भी विनीता जी की आर्ट क्लासेस भी चलती हैं, उसमें भी आप बात कर सकते हो। ठीक है, हम विनीता जी से बात करते हैं डायरेक्टली। स्क्रीन में हटा देती हूँ अभी, और आई थिंक सबने इसको चेक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सेव कर लिए होंगे नंबर, तो आप विनीता जी से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लीजिए इस आर्ट को सीखने के लिए, या फर्दर आप इसको जानकारी चाहते हैं तो। हाँ जी विनीता जी, थोड़ा और अपने बारे में कुछ बताएं। वो जैसे मैं, हाँ बोलिए, सवाल आया मैं देख लेती हूँ। हाँ, अच्छा, वार्निश के लिए पूछ रहे हैं कोई, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वार्निश रिक्वायर्ड? कुछ भी लिक्विड आपको नहीं लगाना, ये खराब ही नहीं होता। ओके, तो आप बने हुए को आप कितना ही ऐसे ऐसे कर दो कुछ भी नहीं होगा ये, बल्कि इसकी डस्ट हट साफ हो जाएगा। ओके, कोई वार्निश की जरूरत नहीं है, फिर वही है, आप कुछ भी लिक्विड इस पे लगाएंगे तो वो सोख लेगा और ये दिखना भी बंद हो जाएगा। मैं सब ट्राई कर चुकी हूँ, सब चीजें, मैं स्प्रे वगैरह सब ट्राई करके देख चुकी हूँ, तो इसके अलावा इसका और कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, अभी जो आपने डेमो दिया बहुत खूबसूरत विनीता जी, आपने डेमो दिया, जहां तक मुझे लग रहा है जो मुश्किल जो आने वाली है वो ये कि इसको नाइफ को चलाने में एक बार जरूर मुश्किल आएगी, उसके लिए जरूर आपसे संपर्क करना पड़ेगा। आपको इंटरेस्ट हो जरूर उससे पूछ सकता है। क्योंकि जो आर्ट, जो नाइफ को जो पकड़ने की जो टेक्निक है ना, जिस तरह से जो पकड़ के चलाना है, वो मुझे लगता है क्या बहुत जरूरी है। पेंसिल, आप पेन पेंसिल कुछ भी पकड़ते हैं, देखो कोई ऐसे पकड़ते हैं, कोई इस तरह से पकड़ते हैं, मतलब सबका अलग अलग तरीका होता है। वो उसी से कंफर्टेबल होता है, तो पकड़ने का स्टाइल कोई नहीं है, लेकिन आप ऐसे करके पकड़ते हैं ना, जैसे मैंने पकड़ा, इसमें क्या प्रेशर लगने में अच्छे से आता है। ऐसे पकड़ोगे इसको तो वो लगेगा ही नहीं, पेंसिल की तरह चलेगा। अच्छा, स्क्रैच करना ही है, ज्यादा एरिया
एक साथ स्क्रैच हो, अपन पेंसिल की तरह चलाएंगे तो वो लाइन आएगी, लाइन आएगी, अच्छा उस तरीके से आएगा नहीं जिस तरह से वो चाहिए, लाइट एंड शेड का वर्क होना चाहिए। ये है बाकी अभी मेरे को किसी ने बोला बहुत अच्छा यूनिक आर्ट फॉर्म है ये, सचमुच बहुत ही अच्छा एकदम यूनिक और एकदम एंटीक दिखता है एंटीक। आप इसको रियली जब सामने से देखोगे, आज को जो सिनेरियो है ना विनीता जी वो क्या है, सब डिजिटली फॉर्म में वर्क कर रहे हैं, ऑल आर गोइंग इनटू द डिजिटल आर्ट, इसे लेबोरियस वर्क में कोई नहीं आना चाह रहा है, तो अगर कोई आता आजकल क्या है मेहनत नहीं होती काफी रहेगा, मेहनत नहीं होती चक्कर ये, आप मतलब एक्रेलिक में भी करते हो तो एक पेंटिंग को करने में काफी टाइम लगता है ना, तो डिजिटल से क्या वो अपने एक तरफ लेके बैठे और फटाफट आधे घंटे में कर लिया। ये नाइफ के बारे में एक और फिर से कोई जानकारी चाह रहे हैं, कैसा नाइफ आप यूज कर रहे हो, नाइफ कैसा यूज कर रहे हो, कोई और जानकारी चाह रहा है तो फिर से बता दीजिए आप कि कैसा नाइफ। फैंसी नाइफ बिल्कुल काम में नहीं लेने जो अपन आजकल किचन में रखते हैं एकदम पतले पतले सुंदर सुंदर, नहीं अपने को चाहिए एकदम रफ टफ नाइफ। हाँ हाँ। और ये हमारे तो सड़कों के किनारे पे जो मिलता है ना वो वाला नाइफ है, ऑर्डिनरी नाइफ है जो रोड साइड उनके साथ मिलते हैं हॉकर्स के पास में मिलता है, 5-7 रुपए का नाइफ आएगा ये, और आपको लेने पड़ेंगे और खूब सारे रखो। ये देखो मैंने भी कम से कम 10-15 नाइफ रखे हुए हैं, यही वाले नाइफ काम आते हैं, यही काम आएंगे, यही इसका टूल है, टूल है और बिल्कुल सिंपल जो सड़कों पे बेचते हैं ना उन्हीं से लेना है, आपको शोरूम तो नहीं मिलेंगे। सही बात। अच्छा विनीता जी इसका अभी एक और सवाल जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये कि इसकी मार्केट वैल्यू क्या रहती है, कोई इंसान या कोई बच्चा इसमें आना चाहता है तो उसका मार्केट में बताऊं क्या रहती है, देखा जाए तो वैल्यू किसकी होती है, इंसान की होती है, उसका काम अच्छा होता है, इंसान का नाम हो जाता है तब उसकी वैल्यू होती है ना। अपन काम अभी मैं भी कर रही हूँ, मेरी कोई पेंटिंग सेल नहीं हुई है, लेकिन मेरे को तो बना के खुशी हो रही है, मैं बना के रखे जाती हूँ, मेरा कहना ये है जिस दिन मतलब मेरा अच्छा खासा नाम हो जाएगा सब निकल जाएंगे। बिल्कुल सही बात कह रहे हो, बिल्कुल सही है, हमेशा इंसान का होगा तब उसका, फिर कैसा भी काम हो कचरा पट्टी भी चलता है फिर। नहीं नहीं बट आपका है बहुत खूबसूरत पेंटिंग है, बहुत बड़ा है, जैसे कुछ है ना कि हाँ कि कभी कभी क्या घर में कुछ इस तरह की पेंटिंग होती है जो सूदिंग नहीं होती है, जिसको देखते ही क्या फीलिंग सी बड़ी नेगेटिविटी फील होती है, बट आपकी जो पेंटिंग जो दिखाई दे रही है ना जो परफेक्ट है पॉजिटिविटी की, फुल ऑफ पॉजिटिविटी है बिल्कुल। इसमें मैंने दो चीजें जैसे दिखाई है, मैं आपको बताऊंगी, ये देखो बड़ा शो किया है, जितने भी ये वाले ये है ये सब अपना ऑरा है, और ये जो दिखाई है ये पॉजिटिव वेव दिखाई है। अब जैसे आपस में फेस टच है तो पॉजिटिव टू पॉजिटिव कनेक्ट होता है, कनेक्ट होता है ना, और जो दूसरी तरफ मुंह फेरा हुआ है वो नेगेटिव है, कभी पॉजिटिव से कनेक्ट नहीं होगा, तो इसमें कनेक्टिविटी शो करिए पूरे इसमें, तो ये सारे तो ऑरा है और ये इसकी पॉजिटिव वेव्स है। गुड, करते करते आता है दिमाग, थैंक यू सो मच, चल जाता है दिमाग। अभी किसी का और क्वेश्चन होता प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज हम मीटिंग को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं सारा, और विनीता जी को थैंक्स, आशा करती हूँ सबको बहुत अच्छा लगा होगा, सबको बहुत पसंद आया आई थिंक, और कमेंट्स बहुत खूबसूरत आ रहे हैं आपके लिए, आप बहुत बधाई के पात्र हैं, इसलिए आपने बहुत मेहनत भरा ये आर्ट डेमो आपने यहाँ पे दिया, और यही चाहती हूँ कि सब लोग इस काम को समझें कि ये क्या काम है, और किसी को सीखना हो या और इस पे जानकारी कर सकते हैं शेयर कर दीजिए, वार्ली वगैरह भी बना सकते हैं इसमें, कुछ भी फोक आर्ट कर सकते हैं, एक बार और जैसे मैंने किया, मेरे को क्या थोड़ा फिगरेटिव काम पसंद आता है, मैं हमेशा थोड़ा फिगर में इंटरेस्ट रहती हूँ। विनीता जी के नंबर है आप नोट कर लीजिए, और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप डायरेक्ट विनीता जी से कॉन्टेक्ट। थैंक यू एवरीवन, बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने सबने मेरा काम देखा, विनीता जी आपका धन्यवाद करना चाहेंगे, थैंक यू सो मच, आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला और हमारे सभी पार्टिसिपेंट के लिए आपने ये डेमो रखा, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।
और स्पेशली आपको. थैंक यू थैंक यू. बाय. ऑल द बेस्ट टू एवरीवन.